तो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट हैलोजन्स के लिए ट्रू नहीं है। चार स्टेटमेंट्स दे रखी है, ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सीएसिड्स, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी होती है, या ऑल बट क्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट होगा? हैलोजेंस। तो हम हैलोजेंस की यहाँ पर अब बात करेंगे आज, ठीक है, कि हैलोजेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि सारे हैलोजेंस के स्टेटमेंट्स जो हमें दे रखे हैं उनको समझते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हैलोजेंस क्या होते हैं। हैलोजेंस आपके होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। ये चार हैलोजन कंपाउंड हमारे पास होते हैं, जिसमें से सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, सबसे कम होती है आयोडीन, ठीक है। अब देखो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो है मोनो बेसिक ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। तो देखो मोनो बेसिक ऑक्सी एसिड का मतलब ये है कि यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे ऑल फॉर्म मोनो बेसिक ऑक्सी एसिड, मतलब मोनो बेसिक ऑक्सी एसिड मतलब उनकी बेसिसिटी वन हो, मतलब एक हाइड्रोजन हो उनमें, एक एच प्लस रिलीज हो सके जिससे, और वो ऑक्सी एसिड होना चाहिए, मतलब जिसे वो से HOF। देखो जो आपके सारे ऑक्सी एसिड्स हैं हैलोजन के, वो आपके मोनोबेसिक सारे बन सकते हैं एक्सेप्ट द फ्लोरीन, क्योंकि ये HOF फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड, ये हाईली अनस्टेबल है एट रूम टेम्परेचर। सारे ही जो हैलोजन हैं हमारे वो आपके ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, एंड वो मोनोबेसिक, इन्हें जिससे एक ही एच प्लस रिलीज होगा, ठीक है। तो सब हैलोजेंस बनाते हैं एक्सेप्ट HOF, ये कब, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है एट रूम टेम्परेचर। और ये H2 आपका HF एंड O2 में ब्रेक डाउन कर जाता है, जबकि बाकी सब हैलोजन एसिड्स के साथ ऐसा नहीं होता। HIO, HBrO, HClO किसी के साथ ऐसा नहीं होता, सारे स्टेबल है एक्सेप्ट दिस HOF, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका HOF हाईली अनस्टेबल होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि फ्लोरीन एक मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, और हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था, ठीक है। अभी आगे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी वो है कि सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये चीज भी बिल्कुल सही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके। तो यहाँ पर मैं, अब हम सेकेंड स्टेटमेंट देखें अगर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें पता है कि इनको जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद रिड्यूस होते हैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, है ना। तो दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, इनकी नोबल स्टेट कॉन्फिग्रेशन आ जाती है, इसी वजह से ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारी जो क्वेश्चन में हमें बतानी थी कि इनकरेक्ट वाली बतानी थी, लेकिन ये आपकी करेक्ट है। फिर आपकी सी जो स्टेटमेंट है वो है क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, तो ये आपकी स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ नो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। बिकॉज ऑफ नो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो क्या होता है कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी मैक्सिमम इसलिए होते हैं क्योंकि क्लोरीन में कोई भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है जैसे कि फ्लोरीन में होते हैं, तो इसी वजह से इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी हम सभी को पता है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन जब कोई भी स्पीशी गेन करती है, पता है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी का डेफिनेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड एटम। तो यहाँ पे क्लोरीन में एड, क्लोरीन की बच्चे आपकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है किसी भी एटम का, तो उसकी वजह से आपके जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है तो वो हमारे वीक होते हैं। दूसरा, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसके लिए न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो काफी घट जाता है, एंड क्लोरीन में इजीली एक्मोडेट भी हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन, जबकि फ्लोरीन में अगर हम वो कोशिश करें इलेक्ट्रॉन एक्मोडेट करने की इजीली, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाईली स्मॉल साइज, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज। लेकिन क्लोरीन के साथ ऐसा नहीं होता, इसीलिए क्लोरीन बहुत हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है क्लोरीन की, ठीक है। तो
तो क्लोरीन की हाईएस्ट गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो इसीलिए सी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो गई। ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये चीज भी बिल्कुल सही है कि फ्लोरीन को छोड़ के देखो, फ्लोरीन इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि फ्लोरीन की जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव में होती है, यानी -1 होती है। लेकिन हमें पता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में अगर हम बात करें आईसीएल में जैसे, तो आयोडीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, यानी कि बाकी सारे हैलोजन चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो ब्रोमीन हो चाहे वो आयोडीन हो, वो सारे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेंगे, लेकिन फ्लोरीन नहीं कर पाता क्योंकि ये बहुत हाईली एक्सेप्शनली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका एनोमलस बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपकी सारी स्टेटमेंट्स एक सही है एक्सेप्ट ऑप्शन ए, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।